हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं आप लोगों का दोस्त ही आशीष गुप्ता एंड वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कॉस्टिंग सिस्टम्स, जो सीए के हमारे दोस्त हैं उनके मॉड्यूल में कॉस्टिंग सिस्टम्स नाम से टॉपिक है। और जो सीएमए इंटर के दोस्त हैं वो अपने स्टडी मॉड्यूल के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्टडी नोट नंबर 4 है बुककीपिंग वाला, उसके अंदर ये चैप्टर आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कंपैरेटिवली आसान है। चलिए, तो कॉस्टिंग सिस्टम्स के अंदर आज जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वो है रिकंसिलेशन। पूरा नाम बोल दूं अगर तो रिकंसिलेशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिकंसिलेशन का मतलब होता है दो चीजों को मिलाना। अगर शब्द को ध्यान करें तो जैसे आपने बचपन में 11th में सीपीटी लेवल पे फाउंडेशन लेवल पे आपने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का टॉपिक पढ़ा होगा, वहां पर भी रिकंसिलेशन का मतलब मिलाना ही था। बैंक रिकंसिलेशन में क्या मिलाया करते थे? जो आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो आपने रिकॉर्ड करी है अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में, उसको हम रिकंसाइल करते थे कि वही बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बैंक वाले पासबुक में। तो पासबुक और कैश बुक में कई बार बैलेंस में डिफरेंस आया करता था। तो बेसिकली रिकंसिलेशन करना मतलब कि कहीं ना कहीं उन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना, उन डिफरेंसेस को खत्म करने की कोशिश करना और कैशबुक और पासबुक का आपस में मिलन करा देना। तो ऐसे ही यहाँ पर मिलन किसका हो रहा है? यहाँ पर मिलन हो रहा है हमारी दो स्ट्रीम्स ऑफ अकाउंटिंग का, दैट मींस कॉस्ट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। चलिए, तो एक अपने ही तरीके से इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और मैं कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के जरिए भी आपके पास आऊंगा। पहले फ्रेश शीट से बात शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं रिकंसिलेशन। तो रिकंसिलेशन का मतलब क्या है? दो चीजों को जिनको सेम आना चाहिए था उनको मिलाना कह सकते हैं कि रिकंसिलेशन है। जैसे वही मैंने बोला कि कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस लॉजिकली सेम आना चाहिए था लेकिन तब भी डिफर कर रहा है, क्यों? वो रीजंस फाइंड आउट करना और उनको हटाना और कैशबुक और पासबुक को आपस में मिलाना कह सकते हैं कि रिकंसिलेशन करना है। यह छोटा एग्जाम्पल दू तो बचपन में आपने सवाल किया, आपका आंसर कुछ आया और आया और बुक के पीछे जो आंसर दे रखा है वो कुछ और दे रखा है, तो आपने एक सिंपल से जुगाड़ अपनाए, सर इसमें ये प्लस कर देते हैं ये माइनस कर देते हैं आंसर मैच हो जाएगा। तो वो देखा जाए तो प्लस माइनस क्या था? वो रिकंसिलेशन करना था, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर किस चीज के बीच में रिकंसिलेशन हो रहा है? तो मैं टॉपिक को रिकंसिलेशन की हेडिंग डाल के एक अपने तरीके से शुरू करता हूं। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग जो है वो दो किस्म की है। आपने अभी तक बचपन में जो अकाउंटिंग पढ़ी है दैट वाज मेजरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है वैसे तो काफी कुछ पता है लेकिन लिख लेते हैं। एक तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग, या मैं बोलूं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बुक कीपिंग करना कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जा सकता है। मतलब जितनी भी वित्तीय ट्रांजैक्शंस होती है, मनी मेजरमेंट नाम का कंसेप्ट हुआ करता था जिसके हिसाब से सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है जो कि एक फाइनेंशियल भाषा में है, वित्तीय भाषा में है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपने करते आ रहे हो, बहुत ज्यादा मुझे इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी टाइप की अकाउंटिंग की बात करें तो वो आप अब कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इतना समय हो गया पढ़ते हुए तो, लेकिन तब भी अगर मैं समअप करके बोलूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है तो बेसिकली ये भी बुक कीपिंग है। लेकिन ये बुक कीपिंग क्या है? क्या यहाँ पे सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है? नहीं, ये बुक कीपिंग है सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड की। बुक कीपिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ अ प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस। शुरू से जब कॉस्टिंग की मैं डेफिनेशन देता हूं तो मैं ये बताता हूं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, इनफैक्ट बेचने में या फिर एक सर्विस को देने में जितने खर्चे आते हैं उसे कैलकुलेट करना, उसको नोट डाउन करना कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग है। सो एक फर्क पता लग रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितनी भी फाइनेंशियल बातें हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो सिर्फ कॉस्टिंग से रिलेटेड बातें हैं, एक खर्चे से रिलेटेड बातें हैं, लागत से रिलेटेड बातें हैं, उन्हें ही लिखा जाता है। तो अगर दोनों को देखिए, दोनों का जब कॉस्ट का इंट्रोडक्शन जब आपने पढ़ा होगा, चाहे वो मेरी बुक से पढ़ा हो चाहे वो अपने इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ा हो, तो एक बेसिक कुछ थ्योरेटिकल डिफरेंस भी देखेंगे। कुछ थ्योरेटिकल डिफरेंस जरा मैं भी समाप्त कर दूं।
एक तो पहले इससे पता लगता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। क्यों? इसमें कहा जा रहा है भाई दुनिया भर की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बातें करनी है और इसमें सिर्फ कॉस्ट से जुड़ी बातें हो रही है, कॉस्ट के अलावा और किसी से जुड़ी बात नहीं हो रही। एक बात और आती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो जितना देखा जाए तो सारी इंडस्ट्रीज करती हैं। ये जो है ये मैंडेटरी सब्जेक्ट है, मैंडेटरी अकाउंट्स है सबके लिए। कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, इवन एक कबाड़ी वाला भी होगा तो अगर वो बुक्स मेंटेन करता है, अगर उसकी अच्छी कमाई है तो वो कहीं ना कहीं अपने साल के एंड में अपना ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट जो है बनाता होगा, दैट्स अ कंपल्सरी। जबकि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो शायद हर इंडस्ट्री कॉस्टिंग नहीं मेंटेन करती होगी, जिनके ऊपर कंपनीज एक्ट के हिसाब से शायद जिनको जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही कॉस्ट अकाउंटिंग करती हैं और ऑडिट भी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का होता है। तो इन सब बातों से पता लगता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा बड़ा और ज्यादा मैंडेटरी सब्जेक्ट है। कुछ और थियोरेटिकल डिफरेंसेस भी आते हैं। वो डिफरेंसेस ये आते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पढ़ते हो कि यहां पर आपके पास एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स दोनों होते हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो जानकारियां है वो कंपनी के विदिन भी लोगों को दी जाती है और कंपनी के बाहर जो हमारे लोग हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे लेंडर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उनको भी दी जाती है। लेकिन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादातर इंटरनल प्लानिंग का टॉपिक है। मतलब ये बात कई बार हुई है कि कॉस्ट की जानकारी कस्टमर्स को नहीं दी जाती, बाहर नहीं दी जाती। जैसे हम बाजार में कई प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं तो उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कितनी है हमें नहीं पता। मैगी हमें बड़े पसंद है, आधे हिंदुस्तान को पसंद है, मैगी को बनाने की कॉस्ट क्या आती है हमें नहीं पता। तो कॉस्टिंग जो है वो एक इंटरनल सब्जेक्ट है, ज्यादातर बाहर नहीं दिखाई जाती। हाँ, गवर्नमेंट अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे स्पेसिफिकली अगर ऑर्डर करके बोले कि आप हमें अपनी कॉस्टिंग डिटेल्स दिखाओ तो शायद उन्हें दिखानी पड़ेगी, नहीं तो ये कोई एक्सटर्नल दिखाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। चलिए, तो ये सब बातें तो थ्योरेटिकली थोड़ी बातें होगी। कई सारे थ्योरेटिकल जो डिस्टिंग्विश बिटवीन कई बार शॉर्ट नोट के तौर पर आ सकता है वो आपको देखना पड़ता है। अच्छा, तो एक बात हमें समझ में आई कि अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अलग डिसिप्लिन है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग डिसिप्लिन है। शायद एक कंपनी में, शायद एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता होगा तो इनकी एक अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की रहती है। फाइनेंशियल बुक्स अलग मेंटेन होती है, कॉस्टिंग बुक्स अलग मेंटेन होती है, और जाहिर सी बात है अलग होती भी होगी क्योंकि डिफरेंस है ना। यहाँ पर तो यहाँ की बुक्स में सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आती है, यहाँ पर नहीं आती, यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट से जुड़ी बातें आती हैं। तो एक बात और भी बड़ी जाहिर सी है, ऑब्वियस सी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिजल्ट्स होते होंगे, रिजल्ट्स बोले तो प्रॉफिट या लॉस, वो अलग आते होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट या लॉस से। अब हमारे टॉपिक की चर्चा शुरू हो रही है कि भैया क्योंकि उनके फाइनेंशियल प्रॉफिट शायद कुछ और आ रहा है और कॉस्टिंग प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, तो देखने वाला जो यूजर है वो बात करता है यार प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है फाइनेंस के हिसाब से। जो लेमैन, लेमैन की भाषा में बात करो, लेमैन को तो नहीं पता ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, तो वो तो ये कह रहा है कि यार प्रॉफिट तो सेम आना चाहिए, अलग क्यों आ रहा है। तो कई बार लेमैन को तो जब देखता है कि यार ये चीज उसकी उसकी समझ के हिसाब से उसको लगता है कि ये चीज सेम होनी चाहिए, और अगर अलग आती है तो उसको तो ये लगेगा शायद यार कोई फ्रॉड हो रहा होगा। तो मैं उसे समझाऊंगा, भाई चिंता कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, तू किसी धोखे में नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलग प्रिंसिपल्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अलग प्रिंसिपल्स है, मैं उसको मिलाकर दिखाऊंगा, और उस मिलाकर दिखाने को रिकंसिलिएशन कहते हैं। तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहले पूरी कहानी जो है वो क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग। तो यहाँ पर एक बात मैं लिखता हूँ, ये बात आप लोगों ने भी साथ साथ लिखनी है, वो ये है कि अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर मेंटेन्ड सेपरेटली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर मेंटेन्ड सेपरेटली इन सेपरेट सेट्स ऑफ अकाउंट्स। सेपरेट सेट्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है कि अलग अलग बुक्स जो है बनाई जाती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग बुक्स बनाई जाती हैं
और कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग बुक बनाई जाती है। तो ये जो सिस्टम है कि फाइनेंशियल बुक्स अलग, कॉस्टिंग बुक्स अलग, इसे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स और रिकंसिलिएशन। एक तरीके से मैं अपने कॉस्टिंग सिस्टम्स के पूरे चैप्टर को इन तीन यूनिट्स में बांट देता हूँ, तो ये भी हमने अलग से पढ़ना है। फिलहाल अभी जो हमें चर्चा कर, आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो रिकंसिलिएशन चैप्टर की। तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, तो देखो जी वही शब्द पकड़ो, इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब होता है एक साथ, साथ साथ, और नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब होता है अलग अलग। तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंगली ये लिखता हूं कि अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग अगर साथ साथ मेंटेन की जाए, आर मेंटेन्ड इन कंबाइंड बुक्स या इन सेम बुक्स। देखिए अभी आपके दिमाग में 10 सवाल आएंगे और आने भी चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का दिमाग साथ साथ चले कि सर कैसे साथ साथ कैसे, जब है ही सर दोनों टॉपिक्स में डिफरेंस तो कैसे मेंटेन करते होंगे। आर मेंटेन्ड इन सेम बुक्स, तो इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, इंटीग्रेटेड या कई बार इसे इंटेग्रल अकाउंटिंग भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। CMA जो स्टूडेंट्स की किताब है उसमें मेन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग डिस्कस किया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं CMA वाले दोस्तों को कि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग आप पढ़ ही नहीं सकते जब तक आपको नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग ना आ जाए, और सवाल आपको नॉन इंटीग्रेटेड का भी पेपर में आ सकता है तो जरूरी है। मैं पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से ये दोनों को साथ में और अलग अलग बनाया जाता है, ये भी हमारा एक सेपरेट मुद्दा है, ठीक है। बेसिकली अगर इसकी बात करें तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग है, वो फाइनेंशियल बुक्स अलग बना रहा है, उस इसमें कोई कॉस्टिंग से जुड़ी बात नहीं हो रही, और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग है, उसकी बुक्स अलग बन रही है, उसमें कोई फाइनेंशियल बात नहीं हो रही। तो ये बात भी जाहिर है, लाजमी सी है कि फाइनेंशियल रिजल्ट अलग आएगा और कॉस्टिंग का रिजल्ट अलग आएगा। इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग अगर अपने बिजनेस में फॉलो करते हैं तो यहां पे रिकंसिलिएशन करना जरूरी हो जाता है। नॉन इंटीग्रेटेड के केस में रिकंसिलिएशन इज मैंडेटरी। सारा ये चार्ट ध्यान में दो, मैं कहानी पूरी सुना रहा हूं। रिकंसिलिएशन करना जरूरी हो जाता है, और वही अगर मैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग करने का मतलब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को एक साथ मेंटेन कर रहा हूं, तो देखा जाए तो यहां पे रिकंसिलिएशन करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग एक साथ ही हो रही है, तो प्रॉफिट का जो अमाउंट आएगा वो भी एक ही आएगा। सारी कहानी समझ में आ रही है, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स अलग अलग बनाए जा रहे हैं तो उनको रिकंसिलिएशन करना जरूरी हो जाता है। वही अगर इंटीग्रेटेड का आप जो सोच रहे थे कि सर कैसे एक साथ बनाया जाता होगा, तो टेक्निकल डिटेल में तो हम तब आएंगे जब मैं नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड को डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना बताऊंगा एक ही डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट नाम है उसका, एक ही बुक्स बनती है, उसमें फाइनेंशियल जानकारी भी लिखी जाती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, इन सब के बारे में भी लिखा जाता है, और कॉस्टिंग की जानकारियां भी लिखी जाती है, मटेरियल, लेबर, इन सब के बारे में भी लिखा जाता है, एक ही बुक्स बनाई जाती है, तो अलग अलग प्रॉफिट कोई नहीं आते, एक ही प्रॉफिट आता है, तो रिकंसिलिएशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है, रिकंसिलिएशन करना है। तो नेक्स्ट शीट पे देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को अभी देख लेंगे, अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अभी देख लेंगे, लेकिन पहले ढंग से समझ तो लें, थ्योरेटिकल बातें तो पूरी कर लें। तो रिकंसिलिएशन की दोबारा से यहां पर हेडिंग डाल देते हैं। चलिए तो अभी तक ये बात समझ में आ गई कि भैया रिकंसिलिएशन करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है। लेकिन एक बात और थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन डिफरेंसेस है क्या। अभी तो ओवरऑल ऊपर ऊपर से थ्योरेटिकल बात करी थी, मेन डिफरेंसेस है क्या, तो अब जो आप हेडिंग डालेंगे वो आप हेडिंग डालेंगे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस किन के बीच में डिफरेंसेस? डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए अगर बात करें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, भाई देखिए मैं एक फ्लो चार्ट टाइप बना रहा हूं कि कुछ ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जो प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स हैं,
ओनली की जगह प्योर लिख देता हूं, प्योर फाइनेंशियल आइटम्स, मतलब प्योर फाइनेंशियल आइटम्स अभी लिस्ट की बात करेंगे। और कहीं पढ़ा भी हुआ है, कॉशीट के टाइम पे भी ये चीजें बताई जाती हैं। प्योर फाइनेंशियल आइटम्स का मतलब वो हो गया जिनको कॉस्टिंग में डील नहीं करना, नॉट टू बी डेल्ट इन कॉस्टिंग। तो मैं जब कॉशीट पढ़ाता हूँ, जब शुरुआत करता हूँ कॉस्टिंग की, तब भी ये बात हुई थी कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो प्योर कॉस्टिंग नेचर की आइटम्स होंगी। अब प्योर कॉस्टिंग आइटम्स जो होंगी वो फाइनेंशियल बुक्स में कवर नहीं होती, वो फाइनेंशियल में नहीं आती। जाहिर सी बात है, इतने मतभेद है तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो जो है आ ही जाए। चलिए, एक जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है ओवरहेड्स का। अब कॉस्टिंग की भाषा में उसे ओवरहेड्स कहते हैं, और अगर फाइनेंशियल की भाषा में बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी ओवरहेड्स नाम का शब्द नहीं सुना, वहां पर तो हर चीज को सिंपल एक्सपेंसेस बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक बहुत फर्क, काफी कितनी सारी कॉस्टिंग आप पढ़ चुके हो, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें एक्सपेंसेस को लिखा जाता है एक्रुअल बेसिस पे, या मैं लिखूंगा इनकर्ड बेसिस पे, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ खर्चा होता है जितना होता है लिख देते हैं, हाँ एक्रुअल वर्ड आ रहा है तो पेड और नॉट पेड। लेकिन वहीं पर बात करूं कि कॉस्टिंग में जब ओवरहेड्स की बात होती है तो कॉस्टिंग में ओवरहेड्स को एब्जॉर्प्शन या रिकवरी बेसिस पे लिखा जाता है। शब्द आपने सुना हुआ है, एक रिकवरी रेट निकालकर हम देखते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर ऑर्डर से हमें कितना ओवरहेड्स रिकवर करना है। तो जाहिर सी बात है कि इनकर्ड खर्चा कई बार कई कुछ और होता है और उसका एब्जॉर्प्शन कुछ और होता है। जब खर्चा कुछ और होता है, एब्जॉर्प्शन कुछ और होता है, तभी तो फिर अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी नाम के टॉपिक्स आते हैं। याद है ओवरहेड में पढ़ा था। चलिए, इसी के अलावा एक डिफरेंस मुझे और ध्यान आया, वो है स्टॉक के अमाउंट का। देखिए, स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है, स्टॉक वैल्यूएशन लिख देते हैं, ठीक है ना। अभी ये डिस्कस करने है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट डिस्कस करना है। स्टॉक वैल्यूएशन की बात करूं तो ज्यादातर ये देखा गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो स्टॉक है वो गिवन होता है, दिया होता है। कहां दिया होता है भाई, जैसे फाइनल अकाउंट याद करो अपना बचपन में, 11th का याद करो, उसके बाद भी और भी कई जगहों पर किया है। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक गिवन होता है वो ज्यादातर ओपनिंग स्टॉक होता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका गिवन होता है एडजस्टमेंट्स में। बात करें कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग में स्टॉक जो है वो ज्यादातर निकाला जाता है। कॉस्टिंग में स्टॉक गिवन नहीं होता, गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकालना पड़ता है। कई बार देखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे जब कुछ यूनिट्स बच जाती है तो हम एक यूनिटरी, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, यूनिटरी कैलकुलेशन है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। और इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आपकी वो कॉस्ट शीट भी रिवाइज हो जाएगी। कॉस्ट शीट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टॉक यूनिट्स, कि भैया इतने रुपए में अगर इतनी यूनिट्स बनाई तो जो यूनिट्स बच गई वो कितने की हुई। तो इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं डिफरेंस आते हैं। मैं थोड़े ये डिस्कस करना चाहता हूं प्योर फाइनेंशियल आइटम्स और प्योर कॉस्टिंग आइटम्स। जब कॉस्ट शीट कराई थी तब भी बताया था, बेसिकली बताया था कि जिन चीजों का एक प्रोडक्ट के बनाने या बेचने से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, कहीं ना कहीं वो कॉस्टिंग में नहीं आनी चाहिए। प्योर फाइनेंशियल आइटम्स की अगर बात करूं तो एग्जांपल्स डिस्कस हुए थे कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कि भैया कैश डिस्काउंट जो है वो तो एक बिजनेस अपनी कलेक्शन करने के लिए देता है, तो ये तो कलेक्शन पॉलिसी का खर्चा है, ये खर्चा है, ये फाइनेंशियल में आता है, ये P&L में आता है, लेकिन ये कॉस्टिंग में नहीं आता। कैश डिस्काउंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंशियल आइटम है, कॉस्टिंग में नहीं आते। जितने भी हम प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजंस बनाने का दस्तूर अकाउंट्स में है, कॉस्टिंग में नहीं है। रिजर्व्स में पैसे डालना, एक बात वैसे, रिजर्व्स में पैसे डालना खर्चा होता है क्या? रिजर्व्स में पैसे डालना तो खर्चा ही नहीं होता, ये तो अप्रोप्रिएशन आइटम है। इनकम टैक्स देना, अब एक बात समझिए, दूसरे तरीके से कहता हूं, ये बात, ये शब्द पहले भी यूज कर चुका हूं। कॉस्टिंग में किसी चीज को डाल देने का मतलब ये है कि एक तरीके से आप उसको सेलिंग प्राइस में भी इंक्लूड कर देते हैं और सारी जनता जनार्दन से वो पैसे चार्ज करते हैं।
अब ये तो देखा जाए तो बिल्कुल अनएथिकल बात हो गई कि आप जो सरकार को इनकम टैक्स देते हो जो कि आपकी ड्यूटी है उसको आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल देते हो और उसका खर्चा कहीं ना कहीं सारे अपने कस्टमर से निकालते हो। तो इनकम टैक्स देना तो आपकी ड्यूटी थी, कॉस्टिंग में कैसे पार्ट बन सकते हैं? प्रैक्टिकली बाजार में कौन अपनी कॉस्ट में क्या इन्वॉल्व कर रहा है आपको पता ही नहीं लगता, क्यों? क्योंकि कॉस्ट के बारे में आपको बताया नहीं जाता। लेकिन एज अ बिजनेसमैन, एज अ एथिकल पर्सन, एज अ रेशनल पर्सन, ये चीजें कॉस्ट में नहीं जानी चाहिए। आगे बात करें तो मैंने बताया था जितने भी फाइन्स पेनल्टीज वगैरह होती है ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, भाई ये थोड़ी कि यार आप जा रहे थे सड़क पे और आपका किसी पुलिस वाले ने रेड लाइट तोड़ने का भैया चालान ठोक दिया और आपने कहा कोई बात नहीं जी चालान सर और लो, 100 के सर 200 लो, मैं तो सर चालान को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल दूंगा और कस्टमर से निकाल दूंगा, यार सरासर गलत काम है। कई चैप्टर में देखा होगा, कई सवालों में देखा होगा जब मैंने कोई हमें चालान वगैरह दिया होता था तो मैंने उसको कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं माना। आपके ऊपर कंपनी लॉ का उल्लंघन का एक नोटिस आ गया, डिमांड आ गई, आपको 2 लाख रुपए का पेनल्टी भरनी है और वो 2 लाख रुपए आप कस्टमर से निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं गलत बात है या आपकी आपकी गलतियों की वजह से आपके ऊपर ड्यूटी लगी है, आप उसका बर्डन सारे पब्लिक एट लार्ज कस्टमर्स पे कैसे डाल सकते हैं? एक और एग्जाम्पल दिया गया था डोनेशंस का, वही जब मैंने पहले भी कुछ इसी तरीके से एग्जाम्पल दिया था, भैया वैष्णो देवी जा रहे हैं, नीचे गुलशन कुमार जी का भंडारा लगा है, वहां पे 11,000 रुपए का चंदा देकर आ रहे हैं और फिर वहां पर जो चंदा दे रहे हैं उस चंदे के अमाउंट को प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में इन्वॉल्व कर दिया, मतलब सोच रहे हैं कि भैया कि क्या कहते हैं कस्टमर से निकाल ले, यार तो सरासर माता रानी भी पाप चढ़ाएगी, ना तो चंदा लगेगा और कस्टमर भी गाली देगा अगर उन्हें पता लग गया तो। लेकिन मेन बात यह है, विडंबना यह है कि पता ही तो नहीं लगता हमसे, तो हम तो जब जाते हैं बाजार में कोई चीज खरीदने तो हमें तो प्राइस बताया जाता है कि इतने का है, दे दे भाई, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, महंगा लग रहा है तो रास्ता में आप दूसरी दुकान देख ले, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं प्योर, अच्छा जितनी भी राइट ऑफ करने वाली चीजें होती है, जैसे भैया गुडविल राइट ऑफ कर दी, अब ये राइट ऑफ करने का काम तो यार सिर्फ अकाउंट्स में होता है, गुडविल राइट ऑफ कर दी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दिए, ये प्योर फाइनेंशियल आइटम्स। और देखिए आपको पता है कि कॉस्टिंग एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड सब्जेक्ट है, सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शन पे, क्वेश्चन में कोई चीज लिखी है उसमें लिखा है कि ये प्योर फाइनेंशियल आइटम है, इसे पीएनएल में डेबिट या क्रेडिट किया गया है, तो आपको खुद देख के समझ जाना चाहिए कि ये प्योर फाइनेंशियल आइटम है, इसको कॉस्टिंग में डिस्कस नहीं किया होगा। प्योर कॉस्टिंग आइटम की बात करूं तो जब प्योर कॉस्टिंग आइटम की बात आती है तो ज्यादातर एक ही एग्जाम्पल आता है और वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द बेनिफिट फॉरगॉन, द नेक्स्ट बेस्ट बेनिफिट फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कई बार पहले भी बात हुई है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ कॉस्टिंग में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर की जाती है जो आपके सेकंड ग्रुप में आएगा, अकाउंट्स में हमने कभी भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात नहीं करी। जैसे एग्जाम्पल दूं कि मैं एक क्या कहते हैं, मैं अपनी बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस बिल्डिंग को अगर मैंने किसी को किराए पे दे दिया होता तो शायद उससे कुछ किराया हामिल होता, अब वो किराया नहीं आ रहा तो ये मेरा नुकसान है, चलो पीएनएल में डेबिट कर देते हैं। क्या कभी ऐसा किया है? कभी ऐसा नहीं किया। अपनी ना आने वाली कमाइयों को कभी खर्चा बोल के पीएनएल में नहीं डाला, लेकिन उन चीजों को कॉस्टिंग में देखा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कॉस्टिंग में देखा जाता है। वैसे अगर बात बोलूं तो हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल है, जिंदगी के हर मोमेंट पे, हर पड़ाव पे कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, अगर इसकी जगह मैं ये करता होता तो शायद मुझे ये मिल गया होता, ये हम जरूर सोचते हैं। तो देखा जाए तो अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट सोचना, अपने आप को सैलरी देना या अपनी बिल्डिंग पर रेंट सोचना, ये सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली चीजें हैं जो सिर्फ कॉस्टिंग में आती हैं, फाइनेंशियल में नहीं आती। तो ये मैंने पूरा 2 पन्नों में आपको टॉपिक चैप्टर आपके सामने रख दिया है कि ये कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग मिल नहीं पाते।
कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंट्स है जहां पर कॉस्टिंग अलग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग बनाई जाती है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, और उसी नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के अंतर्गत ये टॉपिक आता है रिकंसिलिएशन। चलिए अब अपनी थोड़ा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में आप लोगों को दिखा रहा था, तो उन स्लाइड्स को भी एक बार बातों को समाप्त कर लेते हैं और उसके बाद सीधा हम अपना जो स्टडी मॉड्यूल जो आपको तक्षशिला की टीम ने प्रोवाइड कराया उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो हम सीधा उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये मैं अपनी पीपीटी पे आगे बढ़ रहा हूँ, कंसेप्ट की बात हो रही है जो आपको डिस्कस किया जा चुका है कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं तो कॉस्टिंग वर्सेस फाइनेंशियल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तो ये कंसेप्ट जो है रिकंसिलिएशन का, कहीं ना कहीं अगर मैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा हूँ तो कॉस्टिंग अलग है, फाइनेंशियल अलग है, प्रॉफिट और लॉस अलग अलग आ सकते हैं, तो दे आर नीडेड टू बी रिकंसाइल्ड, एंड रिकंसिलिएशन का मतलब द डिफरेंसेस आर टू बी कैंसिल्ड। आगे बढ़े तो रीजंस देखा जाए तो रिकंसिलिएशन बनाने से फायदा क्या होता है या रिकंसिलिएशन बनाने की वजह क्या है, इससे क्या होता है दो चीजों के बीच के लिए डिफरेंस के लिए रीजंस है वो पता लग जाते हैं, डिफरेंसेस पता लगते हैं, डिफरेंसेस की वजहें पता लगती हैं, एक आपस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीम और कॉस्ट अकाउंटिंग टीम का जो आपस का कोऑर्डिनेशन है वो और अच्छा होता है, कोऑपरेशन और अच्छा हो जाता है, इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। आप देखेंगे मतलब कहीं ना कहीं देखो जी कुछ गलतियां जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टीम ने करी, जो गलतियां कॉस्ट अकाउंटिंग की टीम ने करी, जो मतभेद थे वो कहीं ना कहीं यहां पर आके मिल जाएंगे, तो एक्यूरेसी और जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं और बढ़ेगी। डिफरेंस के कॉजेस की बात करूं तो एक चार्ट के जरिए ये पीपीटी तो मैंने कहीं ना कहीं आपकी क्विक रिवीजन के लिए बनाई है ताकि आप जल्दी से देख सकें। तो डिफरेंस मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल आइटम्स है, कॉस्ट आइटम्स है, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ये वाली बात कैसे लिखी है वही कि जो खर्चे होते हैं जो ओवरहेड्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओवरहेड्स इनकर्ड बेसिस पर लिखे जाते हैं जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन बेसिस पर लिखे जाते हैं। डेप्रिसिएशन के मेथड्स की वजह से भी कई बार चिंता हो सकती है, डेप्रिसिएशन अलग से वैसे बात करने की जरूरत इतनी नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन भी कहीं ना कहीं कॉस्टिंग के हिसाब से ओवरहेड्स का ही पार्ट है, लेकिन एक थ्योरेटिकल आपके दिमाग में अगर बात डालू तो जैसे कि जो टॉपिक्स जो बड़े पॉपुलर है SLM हो गया या WDV हो गया ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये मेथड यूज करती है जैसे कि मशीन आर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आ सकता है जिसकी ज्यादा चर्चा कई बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होती, स्टॉक की वैल्यूएशन कैन बी अ डिफरेंस। तो रिकंसिलिएशन, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि रिकंसिलिएशन करने के तरीके, दो तरीके हो सकते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखानी है, ये कुछ वैसे ही होगी जैसे BRS की स्टेटमेंट बनती है, पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा और प्लस माइनस का कॉलम होगा, वही जो बात है एक चीज प्लस कर लो एक चीज माइनस कर लो आंसर मिल जाएगा, और इसी को एक अकाउंट का रूप जो है वो दिया गया है। मैं एक काम करूंगा जब मैं सबसे पहला सवाल उठाऊंगा तो मैं आपको उसी सवाल में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बना के दिखाऊंगा और अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा, यानी इस टॉपिक की आप काफी चीजें ताकि आप खुद ही कर सकें। चलिए तो अब हम जल्दी से अपने स्टडी मॉड्यूल की तरफ आते हैं और उसमें से क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि टॉपिक जो है वो आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर जो है आपके सामने है, नीड ऑफ रिकंसिलिएशन, सब कोई बातें कहीं ना कहीं लिखी है जो मैंने अभी आपसे बात करी कि क्योंकि कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो अलग अलग बनाई जाती है, सो इट इज वेरी सर्टेन दैट द प्रॉफिट शोन बाय द कॉस्ट अकाउंट्स मे नॉट एग्री विद द प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट्स, हैज इट बिकम नेसेसरी दैट द प्रॉफिट शोन बाय टू सेट्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड बाय प्रिपेयरिंग अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और अ मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। अगर मैं मेमोरेंडम वर्ड की बात करूँ ना तो आपने पहले भी शब्द सुना है, जितने भी अकाउंट्स एक सपोर्टिंग नेचर के या वैसे एक हेल्पिंग नेचर के बनाए जाते हैं उसे मेमोरेंडम वर्ड दिया जाता है। मतलब जो बैंक रिकंसिलिएशन जैसे रिकंसिलिएशन है बैंक वाली हो या ये वाली हो, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कोई ऐसे टॉपिक नहीं है जो विच इज मैंडेटरी टू मेंटेन, बैंक रिकंसिलिएशन इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, पर वो तो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए बनाते हैं कि कैश बुक में अलग आ रहा है पासबुक में अलग आ रहा है क्यों आ रहा है यार, चलो देखते हैं मिलाकर देखते हैं रिकंसिलिएशन करके देखते हैं, ऐसे यहां पर कर रहे हैं। तो जब आपको प्रॉपर आपको दिया ये सारा लिखा हुआ मैंने आपको दिया है कॉजेज ऑफ डिफरेंस में फाइनेंशियल नेचर की चीजें,
फाइनेंशियल इनकम्स भी आ सकती है। जैसे अच्छा एक पॉइंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, यार तुम्हारा ये एसेट तुमने बेचा, एसेट को बेच के नुकसान हो गया, बहुत बुरी बात है, ठीक है फाइनेंशियल अकाउंट्स में पीएनएल में डाल दूंगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से क्या लेना देना बनता है? कस्टमर्स ने बोला था क्या कि इन एसेट बेचो, तुमने एसेट को बेचा, तुम्हें बेच के लॉस हुआ, तो एक इन्वेस्टिंग डिसीजन है, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर आता है कैश फ्लो की अगर बात करें तो। तो ऐसे ही इनकम की बात करें तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, या किसी को रेंट मिल रहा है, या कोई भी ब्रोकरेज मिल रही है, कमीशन मिल रहा है। पहली बात तो देखो, जब ज्यादातर कॉस्टिंग में बातें होती ही खर्चों की है, कमाइयों की बातें कम होती है, लेकिन तब भी अगर कोई फाइनेंशियल नेचर की कमाई आ जाए तो उसका कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं बनता। कमाइयों की बात इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हमें तो वो देखना है कि फाइनेंशियल का नेट प्रॉफिट और कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा। तो नेट प्रॉफिट की हो सकता है वजह हो कि कोई प्योर फाइनेंशियल कोई इनकम हो ऐसी जो पीएनएल में लिखी गई हो। कॉस्टिंग नेचर की बातें करेंगे तो तीन चार पॉइंट लिखे, चारों पॉइंट वही है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जाम्पल दे रखे। डेप्रिसिएशन, देयर कैन बी डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये भी लिखा है, ओवरहेड्स कॉस्टिंग में ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड किए जाते हैं ऑन अ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, रिकवरी रेट जिसे कहते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो एक्चुअल खर्चा होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। अब रिकंसिलेशन कैसे करना है, क्या करना है, सीधा आपको ये सब हम स्किप करके, ये आप मतलब क्या कहते हैं, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर वन पर आ रहा हूं। और सवाल में वैसे तो जहां तक मैं रिक्वायरमेंट देख रहा हूं तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट और अकाउंट दोनों में आपको इसी सवाल में बना दूंगा ताकि हमारा आगे का काम जो है वो और स्पीडिली और जल्दी हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर वन दोस्तों, चलिए पढ़ लेते हैं। द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट इज 1,50,000, द फॉलोइंग डिटेल्स आर एसर्टेन्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। सो कॉस्ट अकाउंट्स में और फाइनेंशियल अकाउंट्स का डेटा दे रखा है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक शुरुआत का क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, इंटरेस्ट चार्ज्ड बट नॉट पेड। अब फाइनेंशियल अकाउंट पर तो इंटरेस्ट कॉस्टिंग में आता ही नहीं है, प्योर फाइनेंशियल आइटम है। डिविडेंड मिला यूटीआई से, फाइनेंशियल बात है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको कॉस्टिंग की भाषा में ओवरहेड्स कहा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखे गए 80,000 जबकि कॉस्टिंग में 75,000 रिकवर किए गए। सो वी नीड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स बाय प्रिपेयरिंग अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वी आर गिवन विद द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। चलिए अच्छा, कुछ रिकंसिलिएशन की बेसिक बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। जब आप रिकंसिलिएशन कर रहे होते हैं तो जैसे BRS करते थे तो वही आइदर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बैलेंस एज पर कैश बुक और यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आप या तो बैलेंस प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरू करेंगे। अगर आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट पे शुरू करेंगे तो आपको पहुंचना कहां पर है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स पे, इन दोनों को मिलाना है ना आपको। अगर फाइनेंशियल से शुरू करते हैं तो कॉस्ट पे पहुंचना। तो एक रिकंसिलिएशन का एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको नोट देके यहां पे लिख रहा हूं। ये रिकंसिलिएशन की कॉमन बात है, ये बात कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी थी जब हम BRS कर रहे थे तब भी और अब भी जरूरी है। क्या बात है, देखिए बात यह है कि द चेंजेस से मेरा मतलब है प्लस या फिर माइनस। द चेंजेस टू बी डन, जो भी चेंजेस आपको करने हैं, चेंजेस क्यों करने हैं यार, वो रिकंसाइल करने के लिए। द चेंजेस टू बी डन, जो भी प्लस माइनस आपको करना है, द चेंजेस टू बी डन शुड बी इन द बुक, शुड बी इन द बुक फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड, जिस बुक से हमने स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने का मेरा मतलब वही जैसे मैं बोल रहा था कि भी कॉस्टिंग से स्टार्ट किया फाइनेंशियल पे पहुंचना है। इन द बुक फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड, ये वाली बात आप बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक बार BRS के रेफरेंस में अगर बात बोलूं तो लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे बैंक ने चार्जेस काटे, अब बैंक ने चार्जेस काटे तो बैंक कोई फोन करके ये हमको बताता तो है कि चार्जेस काटे हैं, मैसेज भी नहीं भेजता कई बार। तो कैशबुक बेसिकली पासबुक में एक चार्जेस कट गए हैं, यानी पासबुक कम हो रखी है, कैशबुक का पता ही नहीं। कैशबुक तो हम मेंटेन करते हैं ना,
हमने अपनी बुक पे चार्जेस नहीं काटा, कैशबुक बढ़ी है, पासबुक कम है, कैशबुक ज्यादा है। इन दोनों को मिलाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो पासबुक को बढ़ा दो या कैशबुक का कम करो। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप पासबुक का बढ़ा दे, आपने क्वेश्चन की शुरुआत कैशबुक से करी है, तो आप कैशबुक को ही नीचे लाएंगे। मेरी कहने का मतलब यह है कि जिस बुक से स्टार्ट किया है उसी बुक से चेंजेस करने, ये बात अभी सवाल के जरिए और क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं इस सवाल को शुरू कर रहा हूं फ्रेश पेज पे, और क्योंकि कॉस्ट की बात, स्टॉक की बात है, तो स्टॉक के बारे में एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है। शुरू करते हैं पहले सवाल, क्वेश्चन नंबर वन, यहां पे लिख देता हूं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और फॉर्मेट की अगर बात करें तो पहला तो अपना वही पुश्तैनी कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स, देन सिंपली प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से कर रहा हूं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, क्योंकि दिया यही है। अगर कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी होता और फाइनेंशियल भी होता तो मर्जी होती, दोनों में से किसी से भी स्टार्ट करो, लेकिन अपने दिमाग की एक सीक्वेंस जरूर बना लो कि आपको क्या पसंद है, कि आपको कॉस्टिंग से स्टार्ट करना पसंद है या फाइनेंशियल से। अब ज्यादातर हमारा जो माइंडसेट है इस टॉपिक में वो कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ है, तो मैं तो आपको सजेशन ये दूंगा कि आप कॉस्टिंग से ही शुरुआत किया करो, अगर स्पेसिफिकली नहीं बोला कि फाइनेंशियल से स्टार्ट किया जाए तो। मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है कि इस बार वैसे मई 18 का जो भी पेपर आया था सीए स्टूडेंट्स का, उसमें स्पेसिफिकली लिखा था कि टेकिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स एज अ बेस, तो अगर बोला गया है तो ठीक है, नहीं तो कॉस्ट से शुरुआत करते हैं। तो एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग अगर बात की जाए तो हमें प्रॉफिट फिगर दे रखा है 1.5 लाख रुपए। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला आइटम जो है वो है ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का, ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का पॉइंट अगर कवर करूं तो लिख कॉस्टिंग में मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 10,000 का दिखाया गया है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में ओपनिंग स्टॉक 15,000 का दिखाया गया है। तो फर्क देखा जा सकता है कि कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया गया है। ये स्टॉक का क्या फर्क पड़ता है प्रॉफिट पर, ये जानना बहुत जरूरी है, तो अलग से आप नोट देके इस बात को समझें। देखिए क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ये बात देखा जाए तो पहली बार नहीं पढ़ रहे, पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आया करते थे सीपीटी फाउंडेशन लेवल पे कि व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड प्रॉफिट विल आल्सो बी ओवरस्टेटेड। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ये बात को भी और समझाऊंगा। और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का, ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव बोल सकते हैं या फिर इनवर्स भी बोला जा सकता है कि उल्टा रिलेशनशिप। चलिए ये बात कैसे बोली, सिर्फ रटनी नहीं है, मैं ना बताया करूं तो पूछा करो मेरे से सर ऐसा क्यों हुआ। ये मैं ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों के सामने बना रहा हूं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोगों को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक क्रेडिट आइटम है, और क्रेडिट साइड नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट साइड क्या है, एक इनकम आइटम है। इनकम जितनी ज्यादा होगी, क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। ओपनिंग स्टॉक यहां पर आता है, एक्सपेंस आइटम है, एक्सपेंस जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना कम होगा। सिंपली कहा जा सकता है कि इनकम का इस चैप्टर को, रिकंसिलेशन के चैप्टर में ये वाली बात भी एक बहुत जरूरी हो जाती है हमारे लिए कि इनकम का प्रॉफिट से सीधा नाता है। सबको पता है इनकम ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, और खर्चों का प्रॉफिट से बिल्कुल सीधा नाता नहीं है, ये बात भी सबको पता है कि खर्चे जितने ज्यादा प्रॉफिट उतना कम, यही बात आ गई। और कॉस्टिंग में भी आपने देखा होगा जब कॉस्टशीट बनाई थी तो सारे ओपनिंग स्टॉक ऐड होते हैं कॉस्ट में और क्लोजिंग स्टॉक लेस होते हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक मेरी कॉस्ट को बढ़ाते हैं, जो चीज कॉस्ट को बढ़ा रही है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रॉफिट कम कर रही है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट को घटाते हैं, कन्वर्सली प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। समझ में आया। चलिए तो यहां पे मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक है दैट इज 10,000 एंड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इज 15,000, दैट मींस यहां मैं लिख रहा हूं कि ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, स्टॉक के लिए वैल्यूड से ज्यादा, 5,000 से कॉस्टिंग का स्टॉक कम दिखाया गया है, कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया गया है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा, ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशनशिप।
कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया गया है तो प्रॉफिट उतना ही ज्यादा दिखाया गया होगा, अब मुझे उसे कम करना पड़ेगा 5000 से। बात को दोबारा से समझ लो। एक बार बता दूं, कई बार बच्चे कहते हैं सर कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक कम है, प्लस कर दो, बढ़ा दो। यार स्टॉक मिलाने का काम थोड़ी है मेरा चैप्टर में, मुझे चैप्टर में क्या मिलाना है, प्रॉफिट मिलाना है। आपको हर आइटम का प्रॉफिट इंपैक्ट सोचना पड़ेगा कि अगर कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा होगा, कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। अच्छा किससे बढ़ा हुआ होगा, फाइनेंशियल से, तो फाइनेंशियल के बराबर ही पढ़ना है उसको। कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा हो गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो गया, तो मैं कॉस्टिंग के प्रॉफिट को घटा रहा हूं ताकि फाइनेंशियल और कॉस्टिंग के प्रॉफिट आपस में मिल जाए। दूसरे तरीके से बोलना है तो ऐसे बोल लो भाई, कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक कम है, किससे कम है, फाइनेंशियल से कम है। कॉस्टिंग के ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाना है, ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाना मतलब प्रॉफिट को घटाने जैसा हुआ। ऐसे देखो, पहले वाली अप्रोच वैसे मुझे ज्यादा पसंद है। मतलब ये देखना कि ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो अब प्रॉफिट को कम करना है। आगे की बात करते हैं जल्दी से। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की बात कर रखी है, क्या बात कर रखी है, कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 18 है, फाइनेंशियल में 16 है। उल्टी बात कर दी, ओपनिंग स्टॉक यहां पर ओवर वैल्यूड है, जितना ओपनिंग स्टॉक ज्यादा उतना प्रॉफिट कम, 2000 से कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है, अब मैं उसको बढ़ाऊंगा। आगे की बात करें, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोला गया है। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले वही मटेरियल का क्या बोला है भाई, कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का 12 है, फाइनेंशियल में 13 है। यानी क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का, देखिए जी स्टॉक मटेरियल का हो फिनिश गुड्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली बातें ध्यान में रखना। स्टॉक देखना ओपनिंग है या क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का कम दिखा रखा है 1000 से, तो प्रॉफिट भी उतना ही कम होगा, अब मैं उसको बढ़ाऊंगा 1000 रुपए से। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, और सारी चीजें कॉस्टिंग के नजरिए से ही देखी जा रही है। फिनिश गुड्स में का कॉस्टिंग का स्टॉक है 20, फाइनेंशियल का है 17, यानी 3000 का ज्यादा दिखा रखा है। तो अब क्या करेंगे, 3000 का ज्यादा दिखा रखा है यानी कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी 3000 से ज्यादा दिखा रखा है, अब मैं उसको कम कर रहा हूं। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग में ज्यादा था फिनिश गुड्स का तो प्रॉफिट भी ज्यादा था फाइनेंशियल से, अब उसे उतना ही कम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद बात आ रही है इंटरेस्ट वगैरह की। अब इंटरेस्ट चार्ज बट नॉट पेड, अब इंटरेस्ट चार्ज किया लेकिन पे नहीं किया, क्या फर्क पड़ गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो एक्रुअल बेसिस पे चलती है, फाइनेंशियल में तो इंटरेस्ट लिखा गया होगा। एक खर्चा है, इंटरेस्ट एक खर्चा है ना, इंटरेस्ट एक खर्चा है जो कॉस्टिंग में नहीं लिखा गया। तो कॉस्टिंग में, अब ऐसे समझो, कॉस्टिंग में खर्चा नहीं लिखा गया, खर्चा नहीं लिखा गया तो प्रॉफिट कॉस्टिंग का ज्यादा होगा ना, अब कम कर देते हैं। या ऐसे बोलूं, खर्चा नहीं लिखा कॉस्टिंग में तो अब लिख देते हैं। समझ में आ रहा है, कई बच्चे यहां पे सोचते हैं सर लेकिन इंटरेस्ट तो कॉस्टिंग में नहीं आता, अब लिख क्यों रहे हैं। यार मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ रिकनसाइल करने के लिए मिला रहा हूं उसको, मैं रिकनसाइल करने के लिए लिख रहा हूं, कोई कॉस्ट शीट में थोड़ी लिख रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे मैं वर्डिंग लिख देता हूं, इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग, ब्रैकेट में इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, एक खर्चा है जो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया तो उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, अब मैं उसी प्रॉफिट को 10000 से कम कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, हमें चीजों का प्रॉफिट इंपैक्ट देखना है कि उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ रहा है। आगे बढ़ता हूं, डिविडेंड की बात थी, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। तो डिविडेंड जो है वो मिला था, अब अगेन इनकम मिलना, अब डिविडेंड मिलना ये तो प्योरली फाइनेंशियल है भाई, एक इनकम है जो कॉस्टिंग में नहीं लिखी गई तो प्रॉफिट कम है, तुम लिख दो इनकम, कॉस्टिंग बढ़, कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ जाए। सिर्फ मिला रहे हैं फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कॉस्टिंग के प्रॉफिट से मिला रहे हैं। आखिरी की बात करें तो वो ओवरहेड्स की है कि ओवरहेड्स जो है वो अकाउंट्स में दिखाए गए हैं 80000, कॉस्टिंग में 75000, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं
ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड. अंडर रिकवर्ड एक कॉस्टिंग का वर्ड है. कॉस्टिंग में कितने कम खर्चा दिखा रखे हैं, 5000. तो खर्चा कम दिखाया हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है. अब प्रॉफिट को कम करना है 5000. ये खर्चा कम दिखाया हुआ है तो अब और दिखा दो. आपका काम करने का तरीका है, सीक्वेंस है. दोनों बातें मैं बता रहा हूं. सीक्वेंस को बनाओ अपने दिमाग में. चीज को सवाल पूरा हो गया है, ठीक है. दोबारा रिपीट करूं क्या किया है. तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट से शुरुआत करी थी. मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कॉस्टिंग में कम था 5000 से. ओपनिंग स्टॉक जितना कम होता है प्रॉफिट उतना बड़ा हुआ होता है. तो मुझे तो उसे फाइनेंशियल के बराबरी पर लाना ना, तो प्रॉफिट उतना ही कम कर दिया. फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक बड़ा हुआ है. ओपनिंग स्टॉक जितना बड़ा हुआ है कॉस्टिंग का प्रॉफिट उतना ही कम है, तो मैंने उसको बढ़ा दिया. मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कम है 1000 से. क्लोजिंग स्टॉक कम होने का मतलब प्रॉफिट भी कम था, तो अब बढ़ा दिया उसे. फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग का ज्यादा था. क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होना मतलब यानी प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, तो अब उसी प्रॉफिट को कम कर दिया. इंटरेस्ट कॉस्टिंग में खर्चा है, लिखा ही नहीं क्या था, लिख दिया 10000 रुपए. डिविडेंड एक कमाई है, कॉस्टिंग में लिखी ही नहीं गई थी, अब लिख दी 1000 रुपए. फाइनेंशियल खर्चा था, ओवरहेड्स थे जो फाइनेंशियल में लिखे गए थे 80000, कॉस्ट में लिखे गए थे 75000. तो कॉस्ट में 5000 और लिख दिया, यानी कॉस्ट का प्रॉफिट 5000 से और कम कर दिया. अब अपने सवाल को बंद करते हैं, डब्बे को बंद करते हैं. डब्बे कैसे बंद कर रहे हैं, बिल्कुल लेजर के तरीके से. लेजर के तरीके से मतलब जो साइड का टोटल आपको ज्यादा लग रहा है, अब क्योंकि शुरुआत प्लस साइड से करिए तो टोटल भी प्लस का ही ज्यादा लग रहा है, तो उसको ऐड कर लीजिए. तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा. मतलब ये हो गया 1.5 लाख. कैलकुलेटर आप ले सकते हैं, 1.5 लाख प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस आगे बात करें तो 1000. तो यहां पर टोटल आ रहा है 1,54. तो टोटल तो यहां भी का 1,54 भी होगा. बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं. यहां पर क्या क्या है, 5000 है. इसके अलावा 10000 था, 3000 था और 5000 था. तो बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है दोस्तों आपकी, वो आ रही है 1,31,000. ये क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा. अच्छा, कई बार बच्चे हैरान होते हैं कि सर प्रॉफिट क्यों बोल रहे हो, सर नेगेटिव साइड में आ रहा है. यार ये बैलेंसिंग फिगर है, ये तो लेजर वाला कंसेप्ट है. ये इसे क्या बोलोगे, ये नेगेटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, ये पॉजिटिव बैलेंस है. बैलेंस उस साइड का कहा जाता है जिस साइड का टोटल हायर होता है. डेबिट बैलेंस का मतलब एक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आया है. यहां पर बैलेंसिंग फिगर आने की वजह यह है क्योंकि प्लस साइड का पलड़ा भारी है माइनस साइड से. रिकंसिलेशन समझ में आ गई दोस्तों. चलिए अगर मैं इसी सवाल में आपको जरा मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बना के दिखाऊं तो आप देखिए कि किस तरीके से हो रहा है. तो यहां पर ये मैं हेडिंग डाल रहा हूं. तो जरा मैं हाथ के हाथ पहले ही सवाल में आपका पूरे चैप्टर का मैंने कंसेप्ट पहले ही लेक्चर में कहीं ना कहीं हमारा हो गया है. तो मैंने आपको अकाउंट भी बना के दिखा रहा हूं और आपको स्टेटमेंट तो बना ही. चलिए शुरुआत करते हैं. जब भी अकाउंट की बात आती है ना तो बस आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि इसका बैलेंस, अकाउंट्स में बात होती है डेबिट और क्रेडिट की, कि इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है. सो बेसिकली हमने शुरुआत करी थी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट. और प्रॉफिट का दोस्तों क्रेडिट बैलेंस होता है. प्रॉफिट मेरी कैपिटल को बढ़ाता है, लायबिलिटी को बढ़ाता है. लायबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, जैसे मर्जी दिमाग में रखो. P&L में लॉस आता है. लॉस क्यों आया, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी क्रेडिट से. दैट मींस वो डेबिट बैलेंस. तो P&L का डेबिट बैलेंस मींस लॉस, P&L का क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट. तो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है. तो यहां पर लिख लिया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट 1.5 लाख. दो चीजें समझा दूं. देखिए, एक तो यह है कि मैंने स्टेटमेंट पहले से बना रखी. देखो, जब आपने प्रॉफिट एज पर कॉस्ट की शुरुआत करी कहां से, क्रेडिट से. जितनी भी चीजें आपकी स्टेटमेंट में आपने 1.5 लाख में ऐड करी है ना, यानी ऐड करने वाली चीजों को आप सेम साइड पे लिख दो. अकाउंट्स में जो चीजें सेम साइड पे लिखी जाती है वो ऐड होती है, और जो अपोजिट साइड वाली चीजें है वो आप डेबिट साइड पे लिख दो. समझ में आया, एक लॉजिक क्या हुआ. जितनी भी प्लस करने वाली चीजें हैं आप उसे लिख दें सेम साइड पे,
और जो नेगेटिव माइनस करने वाली चीजें हैं उसे आप लिखते हैं अपोजिट साइड। अब आप ये कहेंगे सर ये तो आपने स्टेटमेंट बना रखी है इसलिए आप ऐसे कर पा रहे हो, तो यार वैसे भी तो तुम सोच सकते हो कि क्या चीजें प्लस होनी है और क्या माइनस होनी है, वैसे सोच लेते हैं। लो दोबारा लो, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कॉस्टिंग में कम है, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कॉस्टिंग में कम है, ओपनिंग स्टॉक जितना कम होता है प्रॉफिट उतना बड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट को कम करना है, प्रॉफिट को कम करना है, लेस करना है, तो अब अपोजिट साइड लिख रहा हूं। बात समझ में आई? प्रॉफिट को कम करना है, यहां पर लिख रहा हूं ओपनिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक कम था प्रॉफिट बड़ा हुआ था तो प्रॉफिट को अब कम कर रहा हूं 5000 से। एक बार देखूं कि क्या ओपनिंग स्टॉक लेस किया था, ये देख लो ओपनिंग स्टॉक 5000 लेस किया था। दोबारा देख लो, नई नई पुराना नई टेपते अलग करते हैं। जो वो था फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कॉस्टिंग में 2000 ज्यादा था, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था प्रॉफिट कम था, अब उस प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 2000 से ज्यादा था प्रॉफिट कम था तो प्रॉफिट को बढ़ाना है। क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं, मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग स्टॉक जितना कम है प्रॉफिट भी उतना कम है, तो प्रॉफिट को अब बढ़ाना होगा, तो 1000 रुपए से प्रॉफिट को बढ़ा रहा हूं। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 3000 से ज्यादा था, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो प्रॉफिट भी ज्यादा था, अब उसे कम करना है। फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से ये मैं कम कर रहा हूं। इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट कॉस्टिंग में लिखा ही नहीं था, खर्चा नहीं लिखा हुआ था, अब लिख दो कहीं ना कहीं इसका मतलब है खर्चा लिखोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो ऑब्वियसली यहां पर लिखना है। इंटरेस्ट कितने का है, 10000 का। डिविडेंड कमाई है, नहीं लिखी थी, लिख दो, कहां लिखोगे, कमाइयां क्रेडिट साइड में आती है, अकाउंट बनाओगे तो अपने वो बचपन का प्रिंसिपल ध्यान करोगे ना कि डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑन इनकम्स। खर्चा था, खर्चा अकाउंट्स में 80 लिखा था, आपने 75 लिखा था, आपने खर्चा 5000 से कम लिखा था, चलिए जी ज्यादा मन कर रहा और लिख लो। ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड कितना कम लिखा था, 5000 कम लिखा था और लिख लिया। डब्बा बंद करो, कैसे करना है पता आपको जी, लेजर के तरीके से ये साइड का ऐड करो, 150, 152, 153, 154 बैलेंसिंग फिगर, 154 में से 5 गए, 149 में से 3 गए, 146 में से 10 गए, 136 में से 5 गए, 171000। देख लो दोस्तों सेम आ रहा है, जादू क्या है, ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस कहलाता है दोस्तों, ये क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट। बात को किसी भी तरीके से, काम को किसी भी तरीके से घुमा कर पकड़ लो, ये हो गया आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो वही क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहते हैं, दो बार समझाया, एक बार स्टेटमेंट के जरिए और एक बार अकाउंट के जरिए। चलिए अब इस लेक्चर में एक क्वेश्चन जो है, एक मुझे पता है आप लोग थक गए होंगे, लेकिन एक सवाल जो है वो और कर लेते हैं, ताकि आगे की कई सारी चीजें जो है वो आप अपने घर पे जाके खुद भी कर सके। तो क्वेश्चन नंबर टू को मैं देख रहा हूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट वो दे रखा है 46,126। सवाल दिखा देता हूं मैं आपको, आपके सामने सवाल है क्वेश्चन नंबर टू, कंपनी का जो प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट 46,126 है, और एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो प्रॉफिट दिख रहा है 33,240। अलग अलग है, आपकी मर्जी, जिस मर्जी से स्टार्ट करो। ओपनिंग आपको देखा जाए तो पीएनएल दे रखा है, एंड उसके नीचे कुछ कॉस्टिंग से जुड़ी बातें दे रखी हैं। आपको रिकंसिलेशन अकाउंट बनाना है, एक काम करते यहां पर अकाउंट ही बना लेते हो चुके सबसे पहले, ठीक है। अकाउंट बनाना है, शुरुआत किससे करें, कॉस्टिंग से करें फाइनेंशियल से करें, या तो एक काम करते हैं, देखिए मैंने तो आपको बोला अपने दिमाग के सोचने का सीक्वेंस जरा सेम रखो ना। देखिए जी अगर आप डिफरेंट काम करना चाहते हो, पैंतरे मारना चाहते हो, तो आपकी मर्जी, हम कर लेते हैं फाइनेंशियल से स्टार्ट कर रहा हूं इस सवाल में। तो बेसिकली सोचने की प्रक्रिया फाइनेंशियल के हिसाब से होगी, बाकी मैंने आपको बोला आपको देखिए दोनों चीज आनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया पेपर में आ गया था टेकिंग फाइनेंशियल एज अ बेस,
तो आना जो है वो दोनों चीजें चाहिए, तो फाइनेंशियल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ले जी फ्रेश शीट ले ली है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर टू जो है वो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो करना क्या है, रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें बोला गया है। मैं फाइनेंशियल से स्टार्ट कर रहा हूं, अब फाइनेंशियल में भी मेरा है तो प्रॉफिट ही। प्रॉफिट का हमेशा क्या कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहां से शुरुआत कर रहा हूं कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल, कितना प्रॉफिट है जी, 33,248 33,248 का प्रॉफिट है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो पीएनएल सामने दिखाई दे रहा है, पीएनएल से ज्यादा आप जरा देखें अपना जो बाकी की जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं उन्हीं चीजों का फर्क है कॉस्टिंग और अकाउंट्स में। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस है वो कॉस्टिंग में, ये कॉस्टिंग के नीचे दी गई जानकारियां है, वो दिखाया गया है 156,394, 156,394। जब मैं अपना ट्रेडिंग देख रहा हूं तो कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक कितना, सॉरी फाइनेंशियल में कितना दिखाया गया, 150,242, वो माइनस करके दे रखा है 150,242, उसमें कितना है 156,394। अब मैं फाइनेंशियल के हिसाब से सोच रहा हूं, फाइनेंशियल में है 150,242, कॉस्टिंग में 156,394, फाइनेंशियल में क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा गया है फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बोल रहा हूं, पहले कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, तो 6,152 फाइनेंशियल में क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया गया है, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया गया है, यानी फाइनेंशियल का प्रॉफिट भी कम है। वो जो बातें थी रिलेशन वाली वो तो वही रहेंगी, क्लोजिंग स्टॉक जितना कम फाइनेंशियल प्रॉफिट उतना कम। फाइनेंशियल में क्लोजिंग स्टॉक 6,152 से कम दिखाया गया है, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट भी 6,152 से कम है। तो अब उस प्रॉफिट को बढ़ा लो, यहां पे क्या लिख रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, फाइनेंशियल में कम है ना, तो अब प्रॉफिट को बढ़ा रहा हूं, कितने से कम है, 6,152 से। ठीक है, समझ में आ रहा भाई, इस तरीके से भी सीखो, फाइनेंशियल से सोचा है मैंने, कोई कोई खास बड़ा डिफरेंस तो नहीं हो गया यार, फाइनेंशियल से सोचा, पहले कॉस्टिंग से सोचता था। फाइनेंशियल का स्टॉक कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 6,152 से कम है, क्लोजिंग स्टॉक कम है, प्रॉफिट भी कम होगा, बढ़ा दिया, बढ़ाना मतलब सेम साइड निकले। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट वेजेस, कॉस्टिंग में डायरेक्ट वेजेस लिखे गए हैं 49,734, जबकि पीएनएल देखे तो फाइनेंशियल में खर्चा लिखा गया है 46,266, 3,468 रुपए का डिफरेंस है। फाइनेंशियल में 3,468 से अमाउंट कम लिखा गया है, खर्चा कम लिखा है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, अब प्रॉफिट को कम करना है, या ऐसे भी कह सकते हैं खर्चा कम लिखा है तो और लिखना है। तो यहां पे डायरेक्ट वेजेस कम दिखाए गए, कितने से कम दिखाए गए, 3,468 से। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्सॉर्ब्ड, कॉस्टिंग में फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने दिखाया, 39,428, फाइनेंशियल में कितना दिखाया, 41,652, यानी फाइनेंशियल में 2,224 रुपए ज्यादा दिखाया, खर्चा ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट कम होगा, अब उसे बढ़ा दो, या वही खर्चा कम करना एक क्रेडिट आइटम है, ठीक है ना। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस खर्चा कम कर रहे हैं 2,224 रुपए से। आगे बढ़ते हैं, एडमिन के खर्चे कॉस्टिंग में दिखाए गए सेल्स के 3% के हिसाब से, ये बात ध्यान रखना। अभी तो एक और हमने हार्डकोर क्वेश्चंस नहीं करे, कॉस्टिंग में आपने इतनी कॉस्टिंग कर ली, कॉस्टिंग में ओवरहेड्स को हमेशा दूसरों के बेस पे रिकवर किया जाता है, परसेंटेज के बेस पे या आर्स के बेस पे या यूनिट्स के बेस पे। तो कॉस्टिंग में जो खर्चा है वो सेल्स का 3% है। अब सेल्स कितनी है वो तो ट्रेडिंग में दे रखा है ना, 693 सेल्स, तो भैया बिक्री तो सेम ही होगी, कॉस्टिंग हो या फाइनेंशियल हो। तो 693 का 3% एडमिन एक्सपेंस कॉस्टिंग में हो गया 20,790,
20,790, जबकि फाइनेंशियल में एडमिन एक्सपेंस दिखा रखे हैं 19,690। यानी फाइनेंशियल में जो खर्चा है वो 1100 रुपए कम दिखा रखा है, खर्चा कम दिखा रखा है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो अब उसे और कम करना है। या जब मैं बोलता हूँ खर्चा कम दिखा रखा है तो मेरे दिमाग में आता है खर्चा कम दिखा रखा है तो और दिखा दो, लो डेबिट कर दिया 1100। बात करें सेलिंग एक्सपेंसेस की तो 5% ऑफ सेल्स है, तो 693 का 5% कॉस्टिंग में है 34,560, बल्कि फाइनेंशियल में कितना है 44,352। फाइनेंशियल में 9,702 रुपए का सेलिंग एक्सपेंस ज्यादा दिखा रखा है, अब उसे कम कर दो, अब उसे कम कर दो। इसके अलावा और क्या आइटम है, उसने बोला नो मेंशन ऑफ सन्ड्री इनकम। फाइनेंशियल में एक सन्ड्री इनकम दिखाई दे रही है 632 रुपए की जो कॉस्टिंग में नहीं लिखी। एक ऐसी इनकम फाइनेंशियल में लिखी है जो कॉस्टिंग में नहीं लिखी, तो अगर से फाइनेंशियल इनकम में भी ना लिखा होता, लिखा है तो फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो अब फाइनेंशियल प्रॉफिट कम करना। मतलब यहां पर ही क्या बात होगी, इनकम को नहीं दिखाना था फाइनेंशियल प्रॉफिट में, तो अब प्रॉफिट इनकम ये वाला साइड है तो अब नहीं दिखाना, तो 632 यहां लिख। खत्म करने से पहले एक बार ट्रेडिंग पे पीएनएल पे नजर मार लो, कोई और ऐसा आइटम जो नहीं कॉस्टिंग में नहीं दिखाने वाला आइटम था, इस सवाल में तो नहीं है, इस सवाल में तो नहीं है, तो अपना सवाल जो है खत्म करते हैं। सिंपल सी बात है, ये वाली साइड पहले ऐड कर ले, 33,248 प्लस 6,152 प्लस 3,224 प्लस 9,702 51,326 में से 3,468 माइनस 1100 माइनस 632, तो ये आ रहा है आपका बैलेंसिंग फिगर 46,126। क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ। इसका मतलब ये मेरा फाइनेंशियल से शुरुआत किया था तो कहां पहुंचा होगा, कॉस्ट पर, ये मेरा आ रहा है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। आप अपने सवाल में देख लो यही था, तो हम जरा एक बार ऊपर जाते हैं, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है वो ये दे रखा था 46,126। बहुत बहुत मुबारक हो, बिल्कुल सेम है। आसान टॉपिक है, फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वेरीफाई कर सकते हो कि आपने काम ठीक किया है नहीं किया, तो पूरे तरीके से टॉपिक जो है मैंने आपको इस लेक्चर में समझा दिया और साथ के साथ दो क्वेश्चन भी करा दिए। देखिए आप, वैसे तो मैं ये कहूंगा मेरा इंतजार मत करो, ठीक है, सिंसेरिटी से अपने आने वाले क्वेश्चन शुरू कर सकते हो, बाकी हमने अपने आने वाले लेक्चर्स में काम करना तो शुरू करना ही है। चलिए तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही करते हैं, अब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, तो आने वाले टाइम में रिकंसिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा फिर इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड भी हम लोगों ने समझना है। आज के लिए इतना ही, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू।